उमराव टीवी प्राइम टाइम समाचार में आपका स्वागत है। राजद जिला अध्यक्ष सह नेता बी मोतिहारी विधानसभा राकेश रोशन उर्फ पप्पू सहनी ने बिहार सरकार से अपील किया कि जिस प्रकार मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम सहित अन्य राज्यों की सरकारों ने छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए राजस्थान के कोटा से वापस उन्हें अपने घर आने की इजाजत दी है, उसी प्रकार बिहार सरकार को भी अपने राज्य के छात्रों एवं उनके अभिभावकों की चिंता को ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द वापस उन्हें अपने घर आने की अनुमति देनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि नियम एक समान होना चाहिए, जबकि कुछ दिन पूर्व कई नेता और मंत्री अपने सगे संबंधियों को राजस्थान के कोटा से बिहार लाने का काम किया था। साथ ही उन्होंने मजदूरों के लिए ये भी कहा था कि जो मजदूर बिहार से बाहर फंसे हुए हैं उन्हें जल्द से जल्द बिहार लाने का प्रबंध किया जाए। बिहार सरकार से अपील करना चाह रहे हैं कि जो भी छात्र छात्रा जो अभी कोटा में फंसे हुए हैं बिहार के जो हैं, उन्हें अविलंब बुलाने की सहमति दे, अनुमति दे। जैसे दूसरा स्टेट में, दूसरे राज्य में, जैसे यूपी में वहाँ के मुख्यमंत्री जी वहाँ के फंसे हुए छात्र छात्राओं को बुलवाने का काम किए, इसी तरह से आज पांच राज्यों में जिसमें छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, असम है, गुजरात है, वहाँ के मुख्यमंत्री ने सहमति दे दी है बुलाने के लिए। तो हम भी सरकार से यही अपील कर रहे हैं, हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी भी जो हम लोग के भावी मुख्यमंत्री हैं, वो भी अपील कर रहे हैं सरकार से, बार बार बोल रहे हैं लेटर के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से मैसेज भी दे रहे हैं कि अगर सरकार अगर इतनी गिर चुकी है, अगर यहाँ के छात्र छात्राओं को नहीं बुला सकती है तो हमें इजाज़त दे, हम वहाँ के छात्र छात्राओं को बुलाएंगे। और बिहार के भी बहुत प्रवासी मजदूर, गरीब भाई मजदूर अन्य राज्यों में फंसे हुए हैं, उन लोगों के लिए भी हमें सहमति दे, अनुमति दे, ताकि हम सभी गरीब मजदूर भाइयों को यहाँ बुला दे जो भूखे वहाँ पे मर रहे हैं। ये महामारी जैसा जो फैल चुका है पुराना, ये महामारी से तो लोग मर ही रहे हैं, बार बार हम भी बोल रहे हैं कि कम से कम कोरोना से लोग बचे तो भूखमरी से नहीं मरे। अभी भी आप लोग देख रहे हैं कि लगातार डबल इंजन की सरकार अपने नेता मंत्री को सरकारी वाहन दे के, निजी पास देकर उनके लड़का लड़की को बुलाने का भी काम कर रहे हैं। मेरा नाम राकेश रोशन और पप्पू सहनी हुआ, राष्ट्रीय जनता दल अति पिछड़ा प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष भी हूँ, सह मोतिहारी अनिस का विधानसभा सेवक भी हूँ।